مثال دے طور تے بچے ہے
वो बच्चा अंगारा चेंदे मूछ पेंदे जा उस बच्चे नु आग का खौफ कोई नहीं। क्यों? इस वास्ते कि उस बच्चे नु आग की मारफत कोई नहीं, आग के बारे जानता पहचानता नहीं, लिहाजा बच्चे नु आग का खौफ कोई नहीं। इस वास्ते बच्चे नु क्यों खौफ कोई नहीं? इस वास्ते के बच्चे नु मारफत कोई नहीं। तो मालूम होया वे खौफ पाउंदे जो मारफत होवे। हुन उलमा नु अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है कि तू साबित दे दिया कि खौफ पाउंदे कि क्या जी मारफत से जान ते पहचान होवे। उलमा नु अल्लाह तबारक व तआला की खशियत भी है, अल्लाह का खौफ भी है, अल्लाह का डर भी है। तो साबित होया कि उलमा अल्लाह की जात की भी मारफत, अल्लाह की सिफात की भी मारफत। और फिर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये यख्शा एक तयदी लुगत के भी के लफ्ज अल्लाह ने मफऊल बनाया गया। और उलमा ये क्या जनाब फाइल है कि उलमा अल्लाह को डरते हैं। जिवें हुन की रात मौजूद है कुरान में वफाद कारी हजरात पढ़ते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ओ एक भाई भी इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक और लुगत भी मनकूल है। तफसीर मदारिक और तफसीर रूहुल बयान मौजूद है कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, लफ्ज अल्लाह ने फाइल बनाया कि उलमा ने मफ़ऊल बनाया। फिर माना क्यों बन रहे थे यख्शल्लाहु अल्लाह डरते उलमा को? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि माना फिर यख्शा तो हुआ सी यरफाउ, यख्शा बमाने यरफाउ। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए अल उलमा, कितने उते बंदे हैं सारे बंदा के बीच कैनू बुलंद फरमाए, कैनू तरक्की अता फरमाए, उलमा इकराम को तरक्की अता फरमाए। नारे तकबीर, और फिर इन्नमा ये कलमा हसर भी है। मेरी जरा आदत है, पता नहीं सही है या गलत है, कि जेड़ी मैं आयत पढ़ता उसके इर्द गिर्द आप कोई फिरता हाँ, सामईन में भी थोड़ी देर फिर हाँ, बस अगर क्या जी चलते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये इन्नमा एक तेलो बता दे। दूसरा है कि इन्नमा ये कलमा हसर है, ये जामी उलमा मौजूद जिन मुदर्रिस बड़े काबिल काबिल बैठे, पूछो इन्हें कुल कुल कि जिथे जामी दी हसर का जिक्र आया है, कलेमात हसर का शुमार कराया गया है, उठे एक हसर फाइल दे और एक हसर मफ़ऊल दे। इन्नमा सारा वज़ैद अमर अमर ज़रबियत ज़ैद अमर अमर और मज़रूबियत अमर अमर क्या जी हसर ज़रबियत ज़ैद दादा ओ किस तरह इतने थेटो सी फिटो सी। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, एक तो ये हसर है कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने बंदे हैं उन बंदा के बीच सिर्फ कमा हक़ुहु उसके उलमा ही उससे डरते हैं, उसके उलमा ही उससे डरते हैं। मिन इबादिहिल उलमा के उलमा दा असर आया कि लफ्ज अल्लाह का क्या आज मकबूल दा असर की आया वो इमे आया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि जो उलमा है वो सिर्फ अल्लाह से ही डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। क्योंकि शेख सादी ने भी तस्री की थी तू हम गर्दन हुक्म दावर मपे के गर्दन न पे चर्चे हुक्म तू रे, कहंदे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होया वा कुछ दिल के अंदर पे कई शायद कि में खौफ आ सकता है। ए दो हसर, एक ए आया कि उसके बंदा ने तो सिर्फ उलमा डरते, ते दूसरा हसर ए आया कि अल्लाह तबारक जेड़े उलमा है वो अल्लाह तबारक व तआला को ही डरते, किसी और को नहीं डरते। इस आयत के अंदर त्रै चीजें हैं, एक इल्म है, बिया तालिब इल्म है, ते बिया अहले इल्म है। मगर उस तो पहले इल्म की तारीफ मैं जरूरी समझता। इल्म दो किस्म होती है, इदराक को शय पे हकीकत ही मिरकात की मौजूद है। इमाम राग़िब अस्फहानी ने मुफरतात कुरान की नकल की है कि इल्म की तारीफ इदराक को शय पे हकीकत ही। इल्म दिया मिन वजह दो किस्म है, एक है इल्म कस्बी और बीए है इल्म कश्फी। इल्म कस्बी केड़ा हुंदा है, जेड़ा तलबा चट्टानियां ते बाय के हासिल करें दे उस नु आदि इल्म कस्बी। इल्म कश्फी केड़ा हुंदा है, इल्म वहबी केड़ा हुंदा है, जिवें कि हजरत साहब मौजूद है इन्हां दे कुल जेड़ा इल्म होया वो इल्म कश्फी होया, वो इल्म वहबी होया, इल्म लदूनी अल्लाह तबारक व तआला दे तरफों इल्म मिलदा है, उस दा ताल्लुक कसब नाल नहीं हुंदा, हुसूल और वसूल दे नाल नहीं हुंदा, बल्कि अल्लाह दी अता दे नाल। फिर मिन वजह इल्म दीयां दो किस्म,
علم نظری اور علم عملی. علم نظری کیڑا ہوندا ہے؟ علم نظری او ہوندا ہے ما اذا علم فقد کمل. جلے بندے نو علم کا شیدا آیا او علم مکمل ہو گیا جیویں موجودات دے عالم دا علم ہویا. دوسرا علم کیڑا ہے؟ دوسرا علم عملی. ما لا یتم الا ان یعمل. جس وقت تک بندہ اس پہ عمل نہ کرے سی او علم مکمل نہ ہو سی. جویں کہ نماز دا علم ہے, کہنو نماز دا علم ہویا اس وقت تک کو مکمل نہ ہو سی جس وقت تک بندہ نماز ادا نہ کرے سی. اس وعدے علم عملی ما لا یتم الا ان یعمل. پھر طالب یہ علم کیا جی آ گیا, لیکن اس کی کیا جی یہ بھی غور طلب گل ہے کہ اللہ تبارک و